आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। इस दौरान हमारे संवाददाता ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आगामी कार्यक्रम सांस्कृतिक संसद को लेकर के संजय सिंह से खास बातचीत करी है। सुनिए। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव करीब है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुलकर हिंदुत्व कार्ड खेलने की पूरी तैयारी कर ली है। जरिया वाराणसी में आयोजित होने वाले संस्कृति संसद के जरिए। इस पर खास बातचीत के लिए राज्यसभा सांसद और आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। संजय जी, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में संस्कृति संसद का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 12 से 14 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। इसमें देश के पूरे तमाम धर्म के जो संत महात्मा हैं, इसमें शामिल होंगे। इसमें हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा होगी। क्या मानते हैं कि ये हिंदुत्व को साधने का एक तरकीब है भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, साधु महात्माओं पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी संस्कृति की बात करती है तो संस्कृति विहीन पार्टी है। इनके अंदर न कोई सभ्यता है, न मर्यादा है, न बातचीत का कोई तौर तरीका है। तो इनकी संस्कृति क्या है? मार काट, लड़ाई झगड़ा, नफरत दंगा, यही करते हैं ये लोग। भारतीय जनता पार्टी की असलियत लोग पहचान चुके हैं अपने गुनाहों को छिपाने के लिए। यानी इस देश में कोई महंगाई पर बात ना करे, शिक्षा पे बात ना करे, स्वास्थ्य पे बात ना करे, रोजगार पे बात ना करे, किसानी पे बात ना करे, इन चीजों को दबाने के लिए ये लोग ये फर्जी बातें रोज रोज लेकर आते हैं। संस्कृति विहीन पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। इसको संस्कृति और सभ्यता पर तो कोई बात करने का अधिकार ही नहीं। बताया जा रहा है कि महिलाओं के और दलितों के धार्मिक अधिकार के विस्तार को लेकर चर्चा हो। कौन सी पार्टी करेगी? भारतीय जनता पार्टी, जो कि इसका इसमें महत्वपूर्ण भूमिका योगी आदित्यनाथ। 94 साल पुरानी इनकी मातृ संस्था है आरएसएस। एक दलित और पिछड़ा प्रमुख पूछ के बताइए इनसे। मैं जीके का एक सवाल पूछ रहा हूँ योगी जी से, आप मेरी तरफ से पूछ लीजिएगा या किसी बीजेपी नेता से पूछ लीजिएगा। एक दलित और पिछड़ा व्यक्ति का नाम बताओ जो आज तक 94 वर्षों में आरएसएस का प्रमुख रहा हो। ये लोग दलित और पिछड़ा की बात करेंगे, जिन्होंने इस देश की 6 लाख करोड़ की संपत्ति बेचकर दलितों और पिछड़ों का आरक्षण पूरे हिंदुस्तान में खत्म कर दिया। सेल बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, एयरपोर्ट बेच रहे हैं, पोर्ट बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, बिजली बेच रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, LIC बेच रहे हैं, बैंक बेच रहे हैं, BPCL बेच रहे हैं। जो लोग पूरा हिंदुस्तान बेच के आरक्षण खत्म कर रहे हैं, वो दलितों और पिछड़ों के हित की बात करेंगे। संजय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि इस संस्कृति संसद का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें तो प्रधानमंत्री भी वर्चुअली रूप से जुड़ेंगे, और कहा जा रहा है कि जो विवादित मुद्दे रहे हैं, चाहे कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो या मथुरा काशी की मुक्ति का मुद्दा हो, बताया जा रहा है कि तमाम जो संत महात्मा इसमें मौजूदगी दर्ज कराएंगे, वो इसको लेकर एक प्रस्ताव पारित करेंगे। आने दीजिए, प्रस्ताव क्या पारित करते हैं तो देखेंगे, उस पर फिर टिप्पणी करेंगे। पहले प्रस्ताव उनका क्या पारित होता है और क्या इन्होंने किया है इस देश के लोगों के साथ, वो आने दीजिए पहले। ये थे संजय सिंह, जो कि अपनी पूरी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं। उन्होंने कहा है कि संस्कृत संसद का जो आयोजन करिए भारतीय जनता पार्टी, उसको संस्कृति संसद का आयोजन करने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये पार्टी संस्कृति विहीन है। कैमरामैन अमन के साथ मजया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।